चैनल पर। आज की वीडियो हमारी मैथ की वीडियो है, इसमें चैप्टर नंबर 2 लेक्चर में से आपको बताया जा रहा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इससे पहले 7 लेक्चर हम बना चुके हैं। अगर आपको वे लेक्चर देखने या और भी कोई वीडियो देखनी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, हर वीडियो का अलग लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, हम एक एक सवाल आपको करा रहे हैं। अगर कोई भी सवाल तुम्हें लगता है कि वो छूट गया है या नहीं हुआ, या आपको कोई और नया सवाल लगता है, तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन भेजें और हमें बताएं, मैं उसका रिप्लाई हमेशा देता हूं और जरूर करूं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट सवाल जारी है, क्वेश्चन है वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। वह छोटे छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। और इसका होगा सॉल्यूशन, छोटे से छोटा है तो लघुत्तम निकलना है, तय बात है। 6, 9, 15, 18 दो से भाग दी कौन दीजिएगा, फिर 3 से कर दीजिएगा, फिर 3 से कर दीजिएगा, फिर 5 से कर दीजिएगा, इसकी गुणा कर दीजिए 2, 3, 3, 5 2 3 6, 6 18 और 18 5 90 ये आ गया है। अब इसमें क्या करना है, ये वो सवाल है, दो तरीके से होगा, दोनों बता रहा हूं मैं, कि जो 7 का गुणज है, एक तो गुणज को भी कह रहा है और फिर दे दशम सात से। तो पहले नॉन मेथड से बता रहा हूं मैं, 7 का गुणज का मतलब 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो जब ये गुणज आ जाए, ये किसके लिए है, जिसमें भी गुणज आ जाए, यानी या भाग देने को कहे, या भाग देने को कहे और साथ में शेष भी हो, साथ में शेष भी हो, तो उसके लिए है ये। ठीक है, उसके लिए पॉइंट है थोड़ा सा, तो क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, नोट करके आपको बात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, उस 90 के कोई कांस्टेंट मानेंगे, 90 + k + 4 7 का गुणज का मतलब 7 से भाग करनी है। अब पहला k का मान 1 रखें, 1 रखने पर देखते हैं कि कटता है क्या, तो 90 × 1 + 4 तो कितना गया 94, क्या 94 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसलिए आंसर ये नहीं होने का। ऐसे ही k का मान 1 रख दिया आपने, अब k का मान 2 रख के देखें, 2 रख के तो 90 × 2 + 4 कितना गया 184, क्या 184 7 से कट रहा, 7 × 14 नहीं कट रहा, तो भैया ये भी आंसर नहीं है। फिर k का मान 3 रखिएगा तो 90 × 3 + 4 274 आ रहा है, ये भी जो नहीं कट रहा है। फिर k का मान 4 आ गया तो 90 × 4 + 4 300 कितना हो गया, 64 हो गया, और 364 7 से पूरा पूरा कट रहा है, 7 × 35 = 7 × 14 तो इसलिए इसका आंसर भी हमारा क्या हो गया, 364 इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है। और दूसरा तरीका यह है कि चारों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, चारों ऑप्शन में जो मतलब जो छोटा छोटा होगा वो, अगर दो ऑप्शन कटेंगे तो जो उनमें छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा, 7 से जो कटेगा वो हमारा आंसर होगा, या फिर उन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल थे इसके, इसके ऑप्शन थे इसी सवाल के, इसी सवाल के जो ऑप्शन थे वो ये थे, एक तो 74 था, एक 84 था, और एक 74 था, एक 84 ये 94 था, 84 तो नहीं था पर 94 था, और एक 184 था, और एक 364 था।
तो हमें बताना कौन सा कटेगा, सात से, तो सात से ये नहीं कट रहा और ये तो नहीं कटा बिल्कुल भी, सात ये दो ये भी नहीं कट रहा, सात ने 14 और ये भी नहीं कट रहा, तो सात से ये ही कट रहा है, तो इससे ये हमारा आंसर। किसी वजह से दो संख्या अगर कटती सात से तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमें देखना था आंसर। अब है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पॉइंट, किसने कहा वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, सॉरी प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, छोटी से छोटी दे दी तो जाहिर सी बात है लघुत्तम निकलना ये तय बात है, और प्रत्येक दशा में एक शेष कह रहा था यानी जो आंसर आएगा उसमें एक जोड़ना है, तो कैसे करेंगे हम इसका, 8, 9, 12, 15 लघुत्तम निकालेंगे, 2 8 9 2 12 15 ये 200 काटेंगे, 2 2 4 9 2 3 6 15 यानी 2 से भाग देंगे इनको, क्या 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटा ऐसे लिखो, ये नहीं कटा ये नहीं कटा, फिर 3 से ले लो 1 3 9 1 5, फिर 3 से ले लो 1 1 1 5, फिर 5 से ले लो 1 1 1 1, मल्टीप्लाई कर लो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इनकी गुणा कर लीजिएगा, इनकी गुणा कितनी आएगी आपके मेरे ख्याल से, इनकी गुणा जो आएगी तो 360 आ जाएगी, और प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो एक शेष कह रहे तो एक जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा क्या आ गया है आंसर है, ठीक है। इसी का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, ऑप्शन से बता रहा हूं, इसी का दूसरा तरीका सेकेंड टाइप कैसे करेंगे, अब ऑप्शन ले लीजिएगा, ऑप्शन दे रखे हैं 179, 181, 359 और 361, ठीक है। अब हमें इन चारों ऑप्शन में वो संख्या ढूंढनी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष बचे, तो वो संख्या ना ये हो सकती ना ये हो सकती ना ये हो सकती, यही होगी क्योंकि आप भाग करके देख लीजिएगा, 8 से भाग दे दीजिएगा 301 ही आएगा, किसी से भी भाग दे दीजिएगा, 8 × 4 = 32 कितना बचा, 6 × 8 = 40 एक बच गया नहीं बच गया, ऐसे देखो 9 से दे लो, चाहे 9 से दे लो 361 को, 9 से देंगे 9 × 4 = 36 एक बच गया, ठीक है। अगली वाली संख्या से दे लीजिएगा, 12 से दे लीजिएगा 361 तो 12 × 36 एक बच गया, ठीक है। तो किसी से भी संख्या से आप भाग दे दीजिएगा एक ही शेष बचेगा, या फिर इसका तरीका ये था कि जहां छोटे छोटे लघुत्तम निकालो और एक शेष बचे तो एक उसमें जोड़ दो यानी ऐड कर, ठीक है। इस तरीके से लेक्चर नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, धन्यवाद।